में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्वच्छता ही सेवा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष बराला ने कहा कि यह आंदोलन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान उन्होंने फतेहाबाद की जनता से इस अभियान का हिस्सा बनने और स्वच्छ भारत मिशन को 100% सफल बनाने की अपील भी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने वार्ड नंबर 15 में भूना रोड स्थित गुरुद्वारा में संगत व गणमान्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में एक साथ आरंभ किए गए स्वच्छता ही सेवा आंदोलन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखा और इसके उपरांत गुरुद्वारा में कार सेवा भी की। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष ने नागरिकों के साथ मिलकर शहर में स्वच्छता अभियान भी चलाया। सांसद राजकुमार सैनी द्वारा दिए गए बयान कि अगर 2019 में उनकी सरकार आती है तो वे डेरा प्रेमियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस होंगे पर निशाना साधते हुए सुभाष बराला ने कहा कि राजकुमार सैनी का सत्ता में आने का जो सपना है वो सपना ही रहेगा। कोसली में टॉपर छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में सुभाष बराला ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और उन्हें कड़ी सजा भी मिलेगी। हरियाणा प्रदेश में मोदी जी के भाषण के बाद स्वच्छता का अभियान उनकी प्रेरणा से शुरू हुआ है। जिस प्रकार से पूरे देश में उन्होंने स्वच्छता की जो अलख जगाई थी उसके कारण से आज देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है और हरियाणा प्रदेश में भी आज के दिन सरकारी स्तर पे भी पार्टी के स्तर पे भी अनेकों स्थानों पर स्वच्छता का अभियान लिया गया है। मुझे लगता है कि हजारों स्थानों पर यह अभियान लिया है और आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे बाकी देश के हिस्सों में स्वच्छता अभियान में जुटे चाहे एनजीओ के लोग हैं अन्य वॉलेंटियर्स हैं उनसे बात की है, उसी प्रकार से आज हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर भी मोदी जी ने वहां पर उपस्थित लोगों से सीधी बात की है और यह आह्वान किया है देश के प्रत्येक नागरिक से कि हमारे देश को स्वच्छ रखने की हमारी अपनी जिम्मेवारी है, इसलिए हम इसको स्वच्छ रखने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें। और मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ ये स्वच्छता के मामले में हर आदमी में जागरूकता आई है, निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा देश पूरी तरह से स्वच्छ होगा। लेकिन राजकुमार सैनी जी का कहना है कि 2019 में चुनाव होंगे, उसमें अगर उनकी सरकार आती है तो डेरा प्रेमियों को जो मांग दर्ज हुए थे वो वापस करेंगे, आपको लगता है कि प्रेमियों के वोट देने के लिए ऐसा कुछ कह रहे हैं? देखिए, राजकुमार सैनी की बात में कोई दम नहीं है। वो व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि कहीं सरकार बनाने की बात तो अलग है, वो नज़दीक भी सरकार बनाने के कहीं कोई सपना, मैं समझता हूँ सपना इस प्रकार का वो ले रहा, वो सपना ही रहेगा उस व्यक्ति का। एक कलिना में जो एक कांड हुआ सर, राष्ट्रपति वार्ड से लड़के उसको 24 घंटे में गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है, लेकिन परिवार लगातार कह रहा है कि उसे उन्हें धमकियाँ मिल रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो इसलिए परिवार को कुछ सुरक्षा या कुछ और सर? देखिए, इसमें मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि अभी तक हमारी सरकार के कार्यकाल में किसी ने भी कोई भी अपराध किया है वो आज तक बचा नहीं है। इसमें भी जो लोग हैं निश्चित रूप से वो पुलिस की पकड़ में आएंगे और 100% उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक आजाद टूर ने भी इस्तीफा भेजा सर आपको, और उनका कहना है कि जो इस सरकार आने के बाद जो नोटबंदी हुई उससे बेरोजगारी फैली है, गरीब आदमियों की सरकार में कोई काम नहीं हो रहा, तो इसका ये इस तरह का आरोप लगाना क्या सही है? नहीं, आजाद टूर का कोई इस्तीफा मेरे को नहीं मिला है और ना ही उसकी इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट मैंने सुनी है।